Na 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 na. Still drive me crazy. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का ये पिद्दी व्लॉग देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। हमारे दिन की शुरुआत होती है हिम्मत की पढ़ाई से। उसकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ज़ोर है दोस्तों। सो हम थोड़ा थोड़ा समय पूरे दिन में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो इस समय मैं ब्रश कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम सॉरी, पर मैं हिम्मत को कोई होमवर्क दे के जा रही हूँ कि मेरे आने तक वो कंप्लीट करके रखे। सो वो उसको मैं टास्क देती हूँ, वो फिनिश करता है। एंड यस, इसी तरह हमने हमारा दिन शुरू कर लिया है। ओके, अब मैं मिलूंगी आपको मेरी किचन में। आज मेरा प्लान है कि मैं मेकअप किट में कौन सी चीज़ें चाहिए वो वीडियो शूट करूँ। इसलिए मैंने कल रात को राजमा बनाए थे और मैं सोच रही हूँ कि फ्रेश राइस बना लेती हूँ उसके साथ, ताकि हिम्मत एंड हस्बैंड का लंच हो जाएगा और मैं अपने बाकी काम कर पाऊँ। सो फाइनली मैं अपलोड देखने वाली हूँ बहुत सारी रिकमेंडेशन के बाद। लेट्स सी कैसा लगता है मुझे। हिम्मत, you like rajma rice? तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही है और मैं अपने बालों को टाई करने वाली हूँ और मास्क भी पहनना मुझे। तो सो हम लोग पहुँच चुके हैं वॉलमार्ट एंड जल्दी से मैं मास्क पहन लूँगी और हमारी मेकअप किट वाली वीडियो से शुरू करते हैं एंड देन सकते हैं। सो मैंने सारा सामान समेट लिया है। आई होप कि मेकअप वाले आयल में ना ज़्यादा क्राउड नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा क्राउड होगी तो मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो लेट्स डू दैट। सो मैंने वीडियो शूट कर ली है अपनी कंप्लीट, जिसमें मैंने बात की है कि आपको बिगिनर्स के लिए कौन सा मेकअप प्रोडक्ट्स असेंशियली चाहिए आपकी किट बनाने के लिए। और इस समय हम दोनों ने, आपने और मैंने, शॉपिंग एक साथ की है, ताकि जब भी आप स्टोर में जाएं कंफ्यूज नहीं हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। अब आपको पता है कि क्या चाहिए और फिर आप डायरेक्टली वही चीज़ें खरीद सकते हैं अपने शेड्स के हिसाब से। वो बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी लाइव है। सो उसका लिंक मैं छोड़ रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मेकअप पसंद करते हैं तो वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर ज़रूर से देखें। सो आप अपना असेंशियल सामान आसानी से खरीद पाएंगे। Often we're reminded to enjoy each day and find it in ourselves to show some gratitude for every moment through and through. I try so hard to just be present, mom will slip the adolescence. I can't help but wonder, but I guess I'll never know it. What the other book looks like. Oh, wouldn't that be nice if now it's me, if I'd stay. ओके, सो मैं डन हूँ मेरी वीडियो के साथ। अब जल्दी से थोड़ी बहुत चीज़ें लेती हूँ जो मुझे चाहिए मेकअप आयल से, नहीं घर के लिए। सो देन घर की तरफ रवाना होते हैं। और एक दोस्तों, तो वीडियो बना के इन साइड से मैं आ चुकी हूँ, होपफुली अच्छी वीडियो बनी होगी। और अब मुझे जाना है किसी और स्टोर में, जल्दी से मैं जाती हूँ वहाँ। एंड अ रियली बैड न्यूज़ कि ऑक्स ने काम करना फिर बंद कर दिया। आई डोंट नो कि इतनी बेसिक जी केबल भी काम नहीं करती, लाइक रियली। Because when push comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us. Alright, दोस्तों, तो मैं गई थी थ्रिफ्ट स्टोर। थ्रिफ्ट स्टोर मुझे जाना अच्छा लगता है वंस इन अ वाइल। काफी समय के बाद गई हूँ मैं, लास्ट टाइम जब भी गई थी आप ही के साथ गई थी। और वो वहाँ पे जाना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे मुझे फैब्रिक मिल जाता है कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए। आज मुझे फैब्रिक मिला है बहुत ही प्यारा,
और काफ़ी ज़्यादा भी है और सिर्फ 399 का मिला है। और अब उसको लेके मेरे दिमाग में बहुत मज़ेदार आइडियाज़ आ रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि उसको लेके कोई वीडियो शूट करूँ। और अगर मैं वो वीडियो शूट करना चाहती हूँ तो मैं उस पर बहुत ही जल्दी एक्शन लेने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी एक्शन नहीं लूँगी तो वो वैसे ही रह जाएगा। और उसका कलर इतना ज़्यादा प्यारा है और कलर रिवील नहीं करने वाली हूँ मैं, पहले आपको मैं दिखाने वाली थी, मैं व्लॉग भी कर रही थी, पर अब मैंने सारा कुछ रख लिया है सीक्रेट, क्योंकि फिर सरप्राइज नहीं रहेगा, राइट। सो उसको जल्दी जल्दी शूट करेंगे, अगर वो सक्सेस मेरा प्लान हुआ तो आई थिंक हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर कुछ और बनाएंगे उसका, पर कुछ तो मैं बना सकती हूँ, इंटरेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा फैब्रिक। सो यस, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अच्छा मुझे मिल लिया कुछ तो अच्छा मिला, अच्छी रील। ऑलराइट दोस्तों, मुझे लगता नहीं है कि कभी भी मैंने इस समय मेरे बेडरूम में वीडियो शूट किए, 11:00 हो चुके हैं। सो घर आके मैंने वीडियो शूट नहीं की, मैं बहुत हंग्री थी, मैंने पहले सोचा था कि मैं बाहर ड्रिंक पीती हूँ कोई, आई थिंक मैंने लास्ट क्लिप में यही कहा होगा। सो फिर मैंने सोचा कि यार घर जाके कॉफ़ी पीती हूँ एंड चॉकलेट ब्राउनी का मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा ब्राउनी खाऊंगी एंड कॉफ़ी पीऊँगी। सो जब मैं घर आई तो फिर हस्बैंड एंड हिम्मत राजमा एंड राइस खा रहे थे, तो मुझे भूख लगी तो मैंने राजमा राइस खा लिए और उसके बाद फिर मैंने कॉफ़ी एंड ब्राउनी खाई। फिर मैंने काफ़ी चल किया और मैंने प्लान किया कि मैं क्या करूँ आउटफिट का। मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे भी पूछा है कि उससे किस तरह मैं स्टिच करूँ, मेरे पास 3 डिफरेंट आइडियाज़ हैं, या तो मैं उसे एक ब्यूटिफुल इंडियन वेडिंग काइंड की ड्रेस बनाऊँ इंडियन इंस्पायर्ड, या फिर ऐसे कोई पार्टी में पहनने वाली ब्यूटिफुल सी वेस्टर्न काइंड की ड्रेस बनाऊँ, और तीसरा आइडिया है कि रेड कारपेट किस्म का गाउन बनाऊँ, रेड कारपेट किस्म की ड्रेस बनाऊँ। सो 3 डिफरेंट आइडियाज़ हैं मेरे पास, अब देखते हैं कि आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, जो भी करेंगे उस पर हम जल्दी जल्दी से जल्दी काम कर लेंगे। एंड वैसे वो फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, पर उसके नीचे लगाने के लिए मुझे लाइनिंग चाहिए, जो मैं 1-2 दिन में ले लूँगी, क्योंकि फिर मैं चाहती हूँ कि उस प्रोजेक्ट को हम जल्दी फिनिश कर दें, अदरवाइज फिर वो लंबा लंबा लटकता चला जाए। सो अब मैं, हिम्मत और हस्बैंड तीनों गए थे वॉक करने के लिए, आते समय हमने हमारा मेल बॉक्स चेक किया है तो मेरा पैकेज आ गया है। मैंने सोचा नन्ही सी हॉल कर लेती हूँ, मैंने कुछ कपड़े खरीदे हैं। सो मैंने कुछ कपड़े खरीदे हैं डायनामाइट से, डायनामाइट कपड़ों की क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है और स्टाइल्स भी काफ़ी अच्छे क्लासी किस्म के होते हैं। एंड उनके उनकी वेबसाइट पे कुछ सेल चल रही थी, लाइक जो सेल पे चीज़ें थी उस पर एक्स्ट्रा 50% था, लाइक रात के 3 बजे तक, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कुछ खरीद लेते हैं अगर मुझे कुछ पसंद आएगा तो। सबसे पहले है ये चीज़, मुझे लगता है कि ये ड्रेस है, फिर मुझे ड्रेसेस पहनने का काफ़ी ज़्यादा शौक आ गया है, लंबी पूरी आर्म्स वाली ड्रेसेस, तो मुझे लगता है कि ये ये ड्रेस है, ऐसी है। सो एक्चुअली मुझे इसके साथ पहननी पड़ेगी टी शर्ट, क्योंकि ऐसी स्ट्राइप्स वाली ड्रेसेस मैं कम ही पहनती हूँ और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, लुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसको पहनने के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये मुझ पर कैसी लगती है, आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मैं इसकी पिक्चर शेयर करूँगी। और ये मैंने मीडियम लिया है, मुझे थोड़ी लूज लग रही है और इसका प्राइस है $70, पर मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिली है, मुझे पता नहीं कितने में, पर अच्छा प्राइस था काफ़ी इसका। ओके, अगली चीज़ क्या है ये, एक्चुअली मुझे लगता है मैंने पैंट्स भी लिए। ओके, मैंने ली है एक ब्लैक ट्राउज़र पैंट्स, जो कुछ इस तरह की है, मुझे ब्लैक पैंट्स पहनना अच्छा लगता है। और ये पेपर बैग किस्म की पैंट्स है, इसका 26 है नंबर, मुझे थोड़ी लूज किस्म की लग रही है पर आई डोंट नो कैसी होगी। अगला मैंने एक शर्ट ली है जो कि मीडियम है और डेनिम की शर्ट है ये, और राइट इसका प्राइस मुझे पता है। ओके, ये $50 की है पर मुझे मिली है $12 में, कैन यू बिलीव, मज़ेदार। ओके, देन मैंने 2 टी शर्ट्स ली हैं, ये सिंपल टी शर्ट्स हैं, हमें टी शर्ट पहनना मुझे अच्छा लगता है यार, कंफर्टेबल, हस्बैंड की टी शर्ट पहन के मैं तंग आ जाती हूँ समटाइम, सो ये मैंने एक लूज वाइट किस्म की टी शर्ट ली है। इसका नॉर्मली प्राइस क्या है, इसका प्राइस है $25, मुझे मिली है $7 में। सो यस, टी शर्ट्स आप जितनी भी लो इनफ नहीं होती है, राइट। एक और टी शर्ट ली है मैंने,
ये भी 7 में ही थी. सोशली डिस्टेंस्ड सोशल क्लब, ये 2990 की है पर मुझे $7 में मिली. आई थिंक बस यही चीज़ें ली मैंने. ओह माय गॉड, मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हुई, ये तो कुछ भी नहीं है. ओके सो दैट्स इट. ये थी एक नन्ही सी हॉल की मैंने कुछ चीज़ें खरीदी है, मैंने शेयर नहीं की है आपके साथ, तो मैंने कर दी है. सो आज की व्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये प्यारा सा क्यूट सा नन्ना सा व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें. मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, वे गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. इजी पीजी. I love you.